और हम महिलाओं का तो वो मान सम्मान बहुत दिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा नीतीश जी का समर्थन करते रही, बीजेपी कहती रहे, गीत गाते रहे। आज सुन रहे हैं लाउड स्पीकर में, उनका गाना बहुत चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए आरजेडी के विधायक और कांग्रेस के भी विधायक मौजूद होंगे। महिला ब्रिगेड इस वक्त गवर्नर हाउस के अंदर, नीतीश कुमार ने शपथ ले लिया, तेजस्वी यादव ने शपथ ले लिया, अब बिहार बदलेगा। हाँ, बहुत बहुत मुबारकबाद। पहले तो हमारे नेता ने आज शपथ लिया, मुख्यमंत्री जी ने आज शपथ लिया, तो जनता की बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। और निश्चित रूप से बिहार के जो हमने वादा किया था, जो हम जिस तरह की हमारी कार्यशैली रही है और जिस तरह से हमारे युवा नेता युवाओं की बात करते, शिक्षा की बात करते, स्वास्थ्य की बात करते, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते, उस पर हम निश्चित रूप से काम करने का काम करेंगे। क्या कहेंगे, सरकार अब बन गई है क्या, अब तरक्की के रास्ते खुल गए बिहार के? बीजेपी रोड़ा थी क्या बिहार? एकदम तरक्की का रास्ता खुलेगा। जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी आज शपथ लिए हैं, उनका एक ही मिशन है कि हमारा बिहार कैसे आगे बढ़े और बिहार का तरक्की कैसे हो। और हम महिलाओं का तो वो मान सम्मान बहुत दिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा नीतीश जी का समर्थन करते रही और सबसे पहले मेरी ही पार्टी, परसों ही हम लोग समर्थन दे दिए, उसके बाद हमारे महागठबंधन के नेता तेजस्वी जी समर्थन किए हैं। और ये इतिहास बना है कि हम लोग मिलजुल के, जो भी सेकुलर पार्टी है, मिलजुल को और बिहार को आगे बढ़ाएंगे, बिहार का तरक्की करेंगे। बीजेपी जी कह रही है कि नीतीश कुमार तो धोखेबाज हैं। बीजेपी कहती रहे, गीत गाते रहे। आज सुन रहे हैं लाउड स्पीकर में, उनका गाना बहुत चल रहा है। वो कहती रही बिहार अब विकास करेगा, तरक्की होगी बिहार की, बिहार आगे बढ़ेगी। बिहार को बहुत निचली स्तर तक वो ले आए थे, अब बिहार आगे बढ़ेगा, अब बिहार आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल भी है जो चुनाव के दौरान, क्या वो अब फुलफिल होंगे? बिल्कुल, जब चुनाव हो रहा था उस समय भी जो इनका मैनिफेस्टो था, बेरोजगारी दूर करना है, महंगाई कंट्रोल करना है, करप्शन कंट्रोल करना है, युवाओं के बारे में सोचना है, आज भी इनके मुद्दे वही हैं और इन्हीं मुद्दे पे वो काम करेंगे और जल्द आपको परिवर्तन दिखाई देगा। जल्द परिवर्तन जो है वो बिहार में दिखने वाला है, यही कह रही हैं अजय यादव जी। और देख सकते हैं कि गवर्नर हाउस के अंदर हैं हम, और तमाम देखिए शपथ ग्रहण समारोह जो है वो ख़त्म हो चुका है, और अभी भी विधायक और नेता जो हैं वो डटे हुए हैं और लगातार सबों के चेहरे पर मुस्कान जो है वो देखी जा रही है। तो कुल मिलाकर कहें कि आठवीं बार सीएम नीतीश कुमार ने शपथ लिया, और इस बार तेजस्वी यादव जो है वो डिप्टी सीएम होंगे, और एक केमिस्ट्री मंच से दिखाने की भी कोशिश की गई चाचा और भतीजे की। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।